नाम संजय सम्राट है, अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी काफ़ी सालों से मांगे हमारे दिल्ली के टैक्सी वालों का और जो दिल्ली के चालक हैं उनका बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। ये केंद्र सरकार जो है एक तरीके से गाड़ी बेचने का धंधा बना दिया इन्होंने। पहले इन्होंने डीजल की गाड़ियां ऑल ओवर में चलाई, फिर उनको हटा दिया, फिर इन्होंने अटैच गाड़ियाँ सीएनजी की लगाई, अब उनको हटा रहे हैं। अभी ओला लीजिंग की गाड़ियाँ अपनी चला रहे हैं कि जो इनसे गाड़ी खरीदेगा, और अब इससे भी बढ़कर इनको आत्महत्या पर मजबूर करने के लिए एक ई व्हीकल्स का एक धंधा ला रहे हैं ये लोग कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ 5 लाख में भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर महिंद्रा की गाड़ी, टाटा की गाड़ी, उसको ये 12 से 14 लाख की बेच रहे हैं। तो जो 5 लाख में आदमी, जो ड्राइवर है दिल्ली का, वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता 5 लाख में, किसी नहीं निकाल सकता, वो 14 लाख की गाड़ी में क्या करेगा। तो ये एक तरीके से हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है ई व्हीकल्स के नाम पर। 14 लाख की गाड़ी देकर ये 1 लाख की सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एक तरीके से एक बहुत बड़ा मजाक है कि जो पर्यावरण अगर सुधारना है तो पूरे केंद्र सरकार के मंत्री, पूरे केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री और पूरे भारत के जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी उन पे चलाओ, टैक्सी वालों को क्यों मार रहे हो। ये तो वैसे ही मरे पड़े हैं टैक्सी वाले यहाँ के दिल्ली के। तो एक तरीके से ये साजिश है, ये जबरदस्ती एक तरीके से हमारे पे लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के नाम पर, और हमें मजबूर करा जा रहा है कि किसानों की तरह दिल्ली के टैक्सी वाले भी आने वाले टाइम में सुसाइड करेंगे। मेरा नाम कमलजीत गिल्ला है और मैं अध्यक्ष हूँ सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का। आज हमारा प्रोटेस्ट है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के खिलाफ। केंद्र सरकार के खिलाफ तो हमारा एक, वैसे तो मेक इन इंडिया कहते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच की छाती चौड़ी कर भाई तुमने हर चीज़ में ऐप बना ली, तुमने पेटीएम के खिलाफ अपनी भीम ऐप बना ली, हर चीज़ में तुम ऐप बना रहे हो, ओला उबर के खिलाफ क्यों ऐप नहीं बना रहे भाई, क्यों नहीं बना रहे? चलो भाई तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर अनपढ़ है, 10वीं फेल है, तुम्हारे प्रधानमंत्री चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी काम करते थे पहले, क्या हमारा आईटी मिनिस्टर भी गन्ने का जूस निकालता है? उनसे ऐप नहीं बन रही क्या? क्यों विदेशियों को 25-25% कमीशन दे रहे हो? अपनी ऐप बनाओ, हम 5% कमीशन देने के लिए तैयार है, 5% सर्विस टैक्स लो। वो तुमसे ऐप नहीं बन रही अपनी, बाकी सारे कामों में सबसे हाईटेक हो रही है कंपनी अपने देश, ऐप बनाने के काम पे विदेशियों के तलवे चाट रहे हो, क्या चक्कर है, क्या साठ गांठ है इनकी? आप बताओ किराया जो है, ऑटो का किराया 10 रुपये है, कार का किराया इन्होंने 6 रुपये किलोमीटर कैसे करा हुआ? सीएनजी के रेट बढ़ा रहे हो, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हो, कार का रेट कम कर रहे हो। अरे अपने मेट्रो के रेट कम करो, अपने अपने ट्रेन के रेट कम करो, हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? ये किराया हमें देना पड़ता है, किस्त हमें देनी पड़ती है, ना ही कोई प्रधानमंत्री ना कोई केजरीवाल आकर हमें देता है यहाँ पर। और दूसरी बात, 15 अगस्त के बाद जितने भी यूनियन है दिल्ली की, हम एक मत रखकर एक विचारधारा के साथ एक डेट निर्धारित करेंगे 15 अगस्त के बाद, और एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके अंदर हमारे साथ कलकत्ता से हम बात करेंगे, मुंबई से बात करेंगे, हैदराबाद से बात करेंगे, लखनऊ और जयपुर ये मुख्य होंगे जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुमित भारद्वाज है, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर सोल्यूशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो ये पॉइंट टू पॉइंट गाड़ियां चलती हैं, ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां हैं, इनको बिल्कुल भी हक नहीं है पॉइंट टू पॉइंट गाड़ियां चलने का। तकरीबन 1 से 1.5 लाख गाड़ियां जो कंपनी की खुद की हैं, ओला और उबल की, जिनको फ्लीट के नाम से जाना जाता है लीजिंग, वो क्या करते हैं पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटियाँ करते हैं, 100 रुपये की 50 रुपये की लोकल ड्यूटियाँ। अगर वो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियाँ ये 100 रुपये 50 रुपये की ड्यूटी करेंगी, तो हमारी लोकल जो गाड़ियाँ हैं 1 RT इकोनॉमी टैक्सी, ये क्या ड्यूटियाँ करेंगी? ये कंपनी की मिली भगत है सरकार से, और सरकार बिकी हुई है कंपनी से। नितिन गडकरी जी का शेयर भी बताया जा रहा है इनमें 35 या 40% जो भी है, और वो उन्हीं की मिली भगत से चल रहा है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अगर कंपनी या सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम रोड पे उतर के प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम रवि राठौर है, अध्यक्ष सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सरकार की गलत नीतियाँ जो अभी रिसेंटली अभी जल्दी में पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम ये सब बढ़ाए गए। जैसा कि हमारे सहयोगी भाई ने बताया अभी कि पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे, हमारा किराया तो बढ़ नहीं रहा। एक दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी या एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पीड गवर्नर हमारी गाड़ियों में थोपा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ चल नहीं पा रही हैं। एक 200-250 की स्पीड पे चलने वाली गाड़ी जो कि इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, वो 40 और 60 की 70 की स्पीड पे चला के हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम अपने क्लाइंट को क्या सर्विस देंगे? हम कोई सर्विस दे ही नहीं सकते। और जो कस्टमर हमारे साथ गाड़ी में बैठ रहा है, हम उसको अपने उसके गंतव्य स्थान तक कैसे पहुँचाएँगे जब हमारी गाड़ी को रफ्तार को आपने थाम दिया?
एक तरफ तो गडकरी जी ने कहा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, तो किस लिए बना रहे हैं फिर ये? अगर हमारी रफ्तार को आप थाम रहे हैं तो इनको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि स्पीड गवर्नर को हटाया जाए, इसको बिल्कुल बंद किया जाए, और पैनिक बटन वगैरह जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि वो पैनिक बटन का काम नहीं करता, उसको बटन को दबाते रहो वो कहीं बसता ही नहीं है कहीं भी, जो कि 16,000 रुपये में लगाया जा रहा है हमारी गाड़ियों में ज़बरदस्ती। तो मेरा यही अनुरोध है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले एक दो महीने में हम देशव्यापी हड़ताल या देशव्यापी आंदोलन कर सकते हैं, सभी चालक भाई और सभी यूनियन मिलकर। ये हमारी सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कहां पर कौन आ रहा है? देखो आप यहां पर आधे घंटे तक रुके, हमसे 16,000 रुपए लिए जा रहे हैं। देखो ये पैनिक बटन दबाया बैठे, कोई नहीं है, 16,000 रुपए लिए जा रहे, डमी बेच के हमें।